नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एचडी कुमार स्वामी के जनता दल सेक्युलर ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से उसे संकेत मिले हैं और संपर्क करने की कोशिश की गई है। जेडीएस के नेता ने कहा कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है कि किसको समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि किस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर यह साफ कर दिया जाएगा। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस का यह समर्थन इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रखी है। ऐसी स्थिति में जेडीएस की भूमिका किंग मेकर की होगी, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उसके समर्थन के बिना वहाँ बीजेपी या कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और उनकी सहयोगी बीजेपी को चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दूसरे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कार्रवाई की मांग तब की है जब पिछले साल शिवसेना में हुए विद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला कानून के अनुसार सही नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आज मामले को लेकर फिर से अदालत जाने की चेतावनी दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उस अयोग्यता पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। उद्धव ने कहा कि जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल स्पीकर विदेश में हैं, जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जल्द ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बताना चाहता हूँ कि देश में नंगा नाच चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 80% ओवर वैल्यूड हैं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। आज रिपोर्ट को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि अडानी मामले में जांच कर रही सेबी ने अतिरिक्त 6 महीने का समय मांगा है। वहीं आज सेबी की जांच में अब तक क्या हुआ, क्या निकला है, इसका खुलासा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगा दिया है। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें पुराने पद पर वापस भेजा जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट कम सीनियरिटी है और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं, हमसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हमने कोई अपराध किया है, हमारे संपर्क में जो लोग भी हैं उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है। बता दें, इस बीच पहलवानों ने जंतर मंतर पर 11 मई को काली पट्टी बांधी थी। मालूम हो कि पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीएम हेमंत बिस्वा सरमा की घोषणा के बाद असम सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। समिति राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार की ओर से गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रूमी फूकन करेंगे। बता दें, इस साल फरवरी में असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि इस समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में आई दरारों के चलते एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग के लिए पीड़ितों ने गुरुवार शाम शहर भर में मशाल जुलूस निकाल कर आंदोलन शुरू किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद 20 अप्रैल को 20 दिनों के लिए यह आंदोलन स्थगित किया गया था। प्रदेश सरकार ने उस समय कहा था कि प्रभावितों के मुआवजे और पुनर्वास की मांगों को पूरा किया जाएगा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अप्रैल माह में 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा था। सरकार के आश्वासन के बाद 107 दिनों के बाद 20 अप्रैल को धरना स्थगित किया गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर विवादों में फंस गया है। इस बार टीवी सीरियल के निर्माता असित कुमार मोदी पर शो के एक किरदार ने यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शो में एक प्रमुख किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने शो के निर्माता असित मोदी, संचालन के प्रमुख सोहेल रमानी और उनके सहायक जतिन बजाज के खिलाफ यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि जेनिफर को उनके खराब व्यवहार के लिए शो से जाने के लिए कहा गया था। आसित मोदी ने यह भी कहा है कि वो उनके और उनके शो के बदनामी करने के लिए जेनिफर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जेनिफर सब टीवी पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाले इस शो में रोशन सोडी का किरदार निभाती रही हैं। एलन मस्क ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर के लिए एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO ढूंढ लिया है और वो अगले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इतना जरूर साफ किया है कि अगली CEO महिला होंगी। बता दें, मस्क पर ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए नया CEO नियुक्त करने का दबाव था ताकि वो अपने दूसरे बिजनेस पर ध्यान दे सकें। एलन मस्क की घोषणा के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि NBC यूनिवर्सल की कार्यकारी लिंडा याकरिनो को ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो गए हैं। उनको अल कादर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना था। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस केस में उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में अल कादर ट्रस्ट केस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ओर से इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा, याचिकादाता को कल 11 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया जाए ताकि अल कादर ट्रस्ट केस में NAB की ओर उनकी गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुनवाई हो सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।